हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिए थे। पांचवा क्वेश्चन है अपना, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू ए काइट इज टेम्पररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लाइनेशन ऑफ ए स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये कह रहा है एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसकी जो है जो स्ट्रिंग जो रस्सी है वो ग्राउंड से टाइट की हुई है जो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो लेंथ निकालिए स्ट्रिंग की रस्सी की अज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। जब वो रस्सी हमारी तनी हुई है, 60 मीटर की हाइट पर एक पतंग उड़ रहा है, 60 मीटर और ग्राउंड से एक रस्सी बंधी हुई है जो हमारा एंगल बनाती है 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये कह रहा है कि उस रस्सी की जो है वो लंबाई ज्ञात कीजिए। इनको पॉइंट दो ए बी सी, हमें निकालना है ए बी, दिया है ए सी, तो तुम्हें बताया गया था जो निकालना है वो ऊपर और जो दिया है वो नीचे। क्या निकालना है? ए बी निकालना है। क्या दिया है? ए सी दिया है। ए बी बटा ए सी कौन सा थीटा बना? ये इस त्रिभुज का हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। एच बटा पी, एच बटा पी कौन सा थीटा था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एच बटा पी कोसिकेंट थीटा। तो क्या वैल्यू है इसकी? कोसिकेंट 60। अब कोसिकेंट 60 का मान क्या होता है? 2/3। तो ए बी बटा ए सी 60, 2/3। तो ए बी बराबर 60 × 2/3, 120/3। इस वर्गमूल तीन को हटाएंगे, वर्गमूल तीन से गुणा किया, वर्गमूल तीन से भाग किया, ये कटा 40, 40√3 मीटर। तो रस्सी की लंबाई कितनी आई? 40√3 मीटर। अगला क्वेश्चन है छठा, ये कह रहा है एक 1.5 मीटर टायर बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टायर बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। ये कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर की एक भवन के सामने खड़ा है और उसकी आंख से 30 डिग्री का कोण बनता है। जब वो भवन की तरफ चलने लगता है तो वो एंगल जो है 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो ये कह रहा है कि कितनी जो डिस्टेंस, कितनी दूरी वो चला। 1.5 मीटर का एक लड़का एक 30 मीटर की बिल्डिंग के सामने खड़ा है, यहां जो एंगल बन रहा है उसका वो तो है 30 डिग्री, वो फिर यहां से चलने लगता है और कुछ दूरी चलने के बाद वो एंगल हो जाता है 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि वो कितनी दूरी चला। ये देखो 1.5 है, ये पूरा 30 है, 30 से 1.5 घटाएंगे तो ये कितना बचा? 28.5। पॉइंट दो इनको ए बी सी और डी, कितनी दूरी चला, मतलब हमें बीसी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? बीसी का मान निकालना है। पहले तो ये वाली त्रिभुज लो, इसमें 28.5 ये दे रखा है, क्या ये भुजा निकाल सकते हैं? इसको मान लिया हमने एक्स है, क्या है? एक्स, और एक्स का मान हमें निकालना है। ये देखो इन इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी त्रिभुज में क्या निकालना है? सीडी निकालना है। दिया क्या है? एडी, सीडी बटा एडी बराबर कितना? सीडी बटा
एडी ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस क्या बना, ये कोट 60, कोट 60 डिग्री, कोट 60 का मान कितना होता है 1/3, तो सीडी का मान कितना आया 28.5/3, इस सीडी का मान आया 28.5/3। अब देखो ये पूरा बीडी कितना हो गया, 28.5/3 प्लस एक्स, तो बीडी का मान आया अपना 28.5/3 प्लस एक्स। अब ये निकालनी है ना एक्स से, तो बीस इन ये त्रिभुज लेंगे, इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी त्रिभुज में क्या दे रखा है, क्या बीडी दे क्या रखा है, एडी क्या बना, ये कोट 30, कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30/3, तो बीडी, बीडी का मान कितना है 28.5/3 प्लस एक्स, ये कितना है 28.5, 28.5। अबे कोट 30 का मान 3 इधर गया, तो ये कितना हुआ 28.5x/3 बराबर 28.5/3, 3 से गुणा कर दो, तो ये हुआ 28.5+3x बराबर, इसको 3 से 3, 3 3 हुआ, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 3 2 6 और 2 8, 85.5। तो 3x का मान कितना आया 85.5 माइनस 28.5, कितना बचाइए 0 57। एक्स का मान कितना आया 57/3, 3 को हटाएंगे तो कितना बनाइए 19, एक्स बराबर 19/3 मीटर, कितनी डिस्टेंस चला वो 19/3 मीटर। सातवां क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर बिल्डिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये कह रहा है कि ग्राउंड से हमें निकालना हाइट ऑफ टावर, एक बिल्डिंग है अपनी जिसके ऊपर एक टावर है, जैसे ये बिल्डिंग कितने मीटर की बता रहा है, बिल्डिंग भवन 20 मीटर का, इसके ऊपर एक टावर है, और ये कह रहा है कि टावर का जो बॉटम का जो एंगल है, बॉटम ये है ना तल का जो एंगल है वो तो है 45 डिग्री, और इसका जो सिरे का एंगल है वो है 60 डिग्री। ये कह रहा है टावर की हाइट निकालिए, मान लिया इसकी हाइट एच है, ए बी सी और डी। अब देखो इस वाली त्रिभुज में हमें ये दे रखा है, तो क्या ये निकाल सकते हैं, इन ट्राइंगल बी डी सी, बी सी बटा डी सी बराबर कौन सा थीटा, बी सी बटा डी सी, बी बटा पी, कोट 45 कितना होता है मान 1, तो बी सी का मान भी कितना आया 20, तो ये भी 20 है, मान लिया ये एच है, तो ये टोटल कितना हुआ 20+h। अब इस कंप्लीट ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या निकालना है, ये 20+h/20, पी बटा बी 10/60, 10/60 का मान 3, 20+h बराबर 20/3, एच बराबर 20/3 माइनस 20, 20 कॉमन, 3 माइनस 1 मीटर। ये थे अपने, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7।